अस्सलाम वालेकुम जी। ये अब हम जो है इंटरचेंज पे आ गए ब्रह्मा बातर के, तो अब हम इंटरचेंज से बाहर निकल रहे हैं। तो जब हम बाहर निकलते हैं इंटरचेंज से, तो ये सामने हमारी एक टी बन जाती है। इस टी से राइट साइड पे फौजी सीमेंट भी है और रेजिडेंशियल ऑर्चर्ड्स भी है, लेकिन हमने न्यू सिटी जाना है जो बेसिकली लेफ्ट साइड पे है। तो अब ये हम लेफ्ट साइड पे जाएंगे और हम मोटरवे के ऊपर से एक ब्रिज पे गुजरेंगे, और उस ब्रिज से गुजरते हुए हम जो है वो आगे चले जाएंगे। ये देखें, अब हम ब्रिज से गुजर रहे हैं, तो आप अगर दाएं बाएं देखें स्पेशली राइट साइड पे, तो आपको न्यू सिटी जो है उसका फेज टू नज़र आने लग जाएगा। इस रोड के दोनों साइड पे काफ़ी डेवलपमेंट है, लेकिन ये चूंकि जैसे आप कह लें एक मेन रोड है जो जाके जीटी रोड पे निकलती है, तो इस पे ट्रक की काफ़ी ज़्यादा जो है आमदोरफ्त है, और इसी वजह से यहाँ पे अच्छे अच्छे जो है ना वो ट्रक होटल भी हैं। यहाँ पे सेवर फूड भी वाह में आया है, तो इसी रोड पे जो है आगे आपको सेवर फूड भी मिलता है। तो ये आप अगर देखेंगे तो दाएं बाएं मोस्टली आपको वही होटल्स मिलेंगे जहाँ पे आपके ट्रक वाले खड़े होते हैं। अब ये एक ज़माने में आज से 15-20 साल पहले निगलिजिबल वैल्यू थी, लेकिन अब ये बड़ी तेज़ी से बढ़ रही है। यहाँ पे मार्किज बन रही हैं, जैसे एक टैक्सी मार्की है, इसके बाद जो है वहाँ पे आप ये देखेंगे रोड को भी डूल कैरेज ये करने की कोशिश कर रहे हैं, और वाइट किया इन्होंने, क्योंकि जारी बात है कि यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा जो है वो पॉपुलेशन भी बढ़ रही है, और ये बल्कि यहाँ पे अभी एक आध नई सोसाइटी भी एक्सपेक्टेड है कि वो यहाँ पे आए। और मैंने तो ये न्यू सिटी मोस्टली जो है रोड के राइट साइड पे है, जबकि लेफ्ट साइड पे वो एक नई सिटी डेवलप करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये देखें जी, हम न्यू सिटी का जो ब्रह्मा बातर की साइड है वहाँ से इंटरचेंज से अंदर आए, और अंदर आकर जो है ये काफ़ी अच्छा है, इनके बैरियर सब बना हुआ है और ये सब कुछ। तो जनरली आप कह सकते हैं कि ये न्यू सिटी भी एक एक्सेप्टेबल जो है वो जगह है, ये ख़ासतौर पर लो इनकम ग्रुप के लिए जो अच्छी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग चाह रहे हो। ये साइड पर अगर आप देखेंगे तो आपको नज़र आएगा कि यहाँ पे कोशिश ये जो की जा रही है कि या तो नई प्लॉटिंग की जाए या फिर यहाँ पे कमर्शियल एरियाज बनाए जाएँ, उनकी पार्किंग बनाई जाए। तो इस तरह तो काफ़ी मैसिव प्रोजेक्ट है और कॉन्स्टेंटली डेवलप हो रहा है। अगर आप सामने की तरफ देखें तो आपको न्यू सिटी आर्केड नज़र आएगा, जो कि वाह या इसकी वेसिनिटी में इतने बड़े लेवल का प्रोजेक्ट जो है, दैट इज़ रियली सरप्राइजिंग। और उन्होंने उस चीज़ को ना सिर्फ ऐलान किया बल्कि उन्होंने इस चीज़ को डिलीवर भी किया। अभी हम ब्लॉक आई के पास से है, और आप ये समझ लें कि इवेंचुअली हम ब्लॉक ए तक जाएंगे, और ब्लॉक ए तक आप जाते हुए ये देखेंगे कि यहाँ पर जो है वो काफ़ी ज़्यादा जो है आबादी हो रही है आहिस्ता आहिस्ता। अभी इन्होंने एफ ब्लॉक वगैरह इंट्रोड्यूस कराया क्योंकि दरमियान में इन्होंने कुछ लैंड एक्वायर किए, तो उसकी वजह से, वरना अदरवाइज़ ये कि इससे आगे के बहुत सारे ब्लॉक्स बन के तो वो हैंडओवर हो चुके हैं, लेकिन ये चूँकि अब नई लैंड इन्होंने एक्वायर की है तो उसकी वजह से ही है। और माशाल्लाह यहाँ पर भी कुछ मसाजिद हैं एटलीस्ट 2-3, और वो इन्होंने बड़ी मोहब्बत से और अच्छी बनाई हैं। इस वक्त जिस रोड से हम गुजर रहे हैं इस पर मोस्टली कनाल के घर थे, जिनके पास से हम गुजर के होके आ गए, और यहाँ पे कुछ बड़े प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं बच्चों के लिए जो है वो जगह भी है। आप पीछे देखें तो आपको आबादी भी नज़र आएगी यहाँ पे जो है इनका, जैसे आप कह लें एन तक आ चुका है, जीएस बैंक है, पिज़्ज़ा हट है, आइसक्रीम का एक गिलाटो के नाम से मोस्ट लाइकली पार्लर है, और काफ़ी सारी इस तरह की जो चीज़ें हैं वो इन्होंने थोड़ा सा शारे वगैरह लगा के काफ़ी खूबसूरत सा बनाया हुआ है सोसाइटी को। आप यहाँ पे देखें तो आपको इशारे भी नज़र आएंगे, मस्जिद भी माशाल्लाह नज़र आएगी, इक्विपमेंट भी काफ़ी खड़ी है, और ये बेसिकली एक तरह की इनकी कमर्शियल डिस्ट्रिक्ट सी शुरू हो गई है। इन्होंने उस तरह अच्छा मरकज़ तो नहीं डेवलप किया जैसे इनको शायद करना चाहिए था, लेकिन ये छोटे छोटे प्लाजे हैं और इनमें 3 फ्लोर या इस तरह करके, लेकिन अनफॉर्चुनेटली इनमें लिफ्ट वगैरह या इस तरह की चीज़ें अवेलेबल नहीं हैं। लेकिन स्टिल ये है कि एटलीस्ट शॉप्स इनकी या फर्स्ट फ्लोर वो इनका लग जाता है, क्योंकि फर्स्ट फ्लोर पे भी शॉप्स बनाते हैं, बेसमेंट में भी और ग्राउंड पे भी। तो
प्लाजे बनाए भी गए और आहिस्ता आहिस्ता वो आबाद हो रहे हैं, क्योंकि जैसे जैसे आबादी बढ़ती जा रही है तो यहाँ पे लोग आते जा रहे हैं। ये ज़्यादातर जो केपी के लोग हैं उनको सूट करता है, ठीक है, मे बी मर्दान सोबी या इस तरफ के जो इलाके के हैं, इवन पेशावर के, या फिर जो POF से रिटायर होते हैं या जो यहाँ पे और इदारे हैं उनसे रिटायर होते हैं, जिनके ऑलरेडी बच्चे यहाँ पे पढ़ रहे होते हैं या जिनके यहाँ पे ज़्यादा रिलेटिव्स होते हैं, तो वो इसको प्रेफर करते हैं। बाकी इस सोसाइटी में एक छोटा सा जो है वो ज़ू भी है, ठीक है, जिसके अंदर उन्होंने इवन शेर भी रखे हुए हैं, ठीक है, और बाकी है कि बच्चों के लिए और मुख्तलिफ़ की फैसिलिटीज़ हैं। खुद ये अपनी भी मार्केट्स डेवलप कर रहे हैं, इसके साथ साथ और पार्टीज हैं वो भी कर रही हैं। इनकी ये कोशिश है कि ये जो है वो मुख्तलिफ़ किस्म के यहाँ पे मॉल्स के लिए लोगों को इनवाइट करें, और मोस्टली यहाँ पे जो घर हैं वो 5 मरला और 7 मरला हैं, और यहाँ का मरला ज़रा थोड़ा सा छोटा है, वो 525 स्क्वायर यार्ड्स का है, जबकि नॉर्मली जो बड़े होते हैं गाँव वगैरह में 272 स्क्वायर यार्ड्स या 272 स्क्वायर यार्ड्स के होते हैं, ठीक है, तो लेकिन ये कि इस्लामाबाद में भी 225 का होता है। इस वजह से ये 50x90 या 4500 स्क्वायर यार्ड में नॉर्मली यहाँ पे उसको ये कनाल कहने लग जाते हैं, तो ये जी सारा सिलसिला है। तो अब हम जा रहे हैं टूवर्ड्स ए ब्लॉक के बड़ी तेज़ी से, और ए ब्लॉक की तरफ जाते हुए आप अगर दाएँ बाएँ देखेंगे तो पहले कुछ आपको शॉप्स ही नज़र आ रही होंगी। ये पहले यहाँ पे जो है वो ज़ू होता था, लेकिन अब ज़ू उन्होंने आगे मूव कर दिया और यहाँ पे पार्क है और एक कब्रिस्तान है, ठीक है, इनका अपना। और आगे अगर आप राइट साइड पे देखेंगे तो आपको मस्जिद भी नज़र आएगी, ठीक है, और खूबसूरत है मस्जिद, और उसके साथ जो है एक छोटी सी मार्केट है जिसमें आपको हर तरह की चीज़ मिल जाती है, वो जो मुख्तलिफ ब्लॉक्स हैं करीब के वो उनको सर्व करती है। तो अभी हम आपको आगे ले जाके, तो ये बी ब्लॉक आ रहा है, वैसे हम आपको ले जाके एंड तक GT रोड पे, जहाँ पे जैसे आप कह लें कि ये सोसाइटी टच करती है, तो हम वहाँ तक आपको इंशाल्लाह लेके जाएंगे ताकि आपको एक पूरा व्यू मिल जाए कि ये सोसाइटी कहाँ से शुरू हुई है और कहाँ पे। और ये इनका जो है वो बड़ा यूनिक सा मार्क है, इसके ऊपर लाइट्स लगी होती हैं, बहुत दूर से नज़र आती हैं, अलबत्त दिन में ऐसे लगता है कि जैसे किसी ने कोई उड़न तश्तरी जो है ना वो किसी खबर पे लगा दी हो, लेकिन रात को जब ये लाइटें जलती हैं तो बहुत दूर से इवन GT रोड पे भी नज़र आती हैं। और ये अब हम जो है वो ए ब्लॉक के करीब से गुजर रहे हैं और आगे की तरफ जा रहे हैं। यहाँ पे इन्होंने बड़ा खूबसूरत कमर्शियल एरिया भी डेवलप किया है, और इसके साथ साथ जो है वो इन्होंने जैसे आप कह लें कि एक बड़ी अच्छी एंट्रेंस और गेट बनाया है, ठीक है, जो आप कह सकते हैं कि इसके लिए है। अब यहाँ पे आप देखेंगे मॉल्स बनाने की इन्होंने कोशिश कर रहे हैं, ठीक है, और ये एक मॉल बन रहा है। इसके बाद यहाँ पे स्कूल वगैरह हैं, लेकिन जो यहाँ सबसे बड़ा स्कूल है उसका नाम नोवा सिटी है, और वो 20-25 कनाल में बना हुआ है और बड़ा इम्प्रेसिव स्कूल है यहाँ पे। तो इन्होंने हर तरह से कोशिश की है कि ये वा के अंदर एक बैरियर टाउन बनाए, और ये इनका जी सिटी सेंटर है, बहुत महंगी यहाँ पे शॉप्स हैं, लेकिन आप देखें तो हर तरह के ब्रांड्स निशात से लेके ग्लोरिया जीन से लेके सना से लेके हर तरह का आपको मिलेगा। ये एक नया मॉल बनाने की कोशिश कर रहे हैं, दीवान मॉल, ठीक है, इसी तरह जो है वो आगे जो है वो यहाँ पे एक्सेल लैब है। आप सामने अगर देखें तो आपको GT रोड नज़र आ रही होगी, तो और वहाँ से गेटेड सोसाइटी आपको पता चल रहा होगा कि हर आदमी यहाँ पे नहीं आ सकता। और अब यहाँ पे जो है वो मुख्तलिफ किस्म की कंस्ट्रक्शन हो रही है, तो इसका आप देखते जाएँ आगे जो है वो कमर्शियल एरिया है, उसके अंदर मुख्तलिफ किस्म के आइसक्रीम पार्लर हैं, इस तरह और चीज़ें तो वो आप देख सकते हैं, ठीक है। तो ये जी सारा सिलसिला है, और थैंक यू आपका, आपने हमारा साथ दिया।